ओके दिस इज ट्विंकल तलाविया। आज एक पायलट शूट हो रहा है पास पास दूर दूर सीरियल का, जो सीधी पे टेलीकास्ट होगी। और बस सब खुश है यहाँ पे, ऐसे ही चल रहा है। आई विश सब अच्छे से हो जाए। किस तरह का किरदार है आपका इसमें? मैं लीड करेक्टर में हूँ इसमें। ये एक कहानी है, मतलब एक गरीब परिवार है एक तरफ और एक अमीर परिवार है, कि जो एक बेटी है वो मतलब अपने में ही मस्त है। एक बंदा है वो कॉलेज जाता है, थोड़ा गरीब फैमिली से है। बाकी तो आप सस्पेंस खुद ही देख लेना। सीरियल मिलने के बाद कितनी खुशी हुई है, आप अपने बारे में बताएं। बहुत खुशी हो रही है, कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है बहुत। देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, इस सीरियल से पहले भी आपने कुछ किया है? हाँ, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था मॉडलिंग से, फिर मैंने धीरे धीरे अपना वहीं पे फैशन शोज़ वगैरह सब किया। देन वेब सीरीज़ की ऐसे ऐसे सब आते रहा, शॉर्ट फिल्म की, एल्बम सॉन्ग्स किए, फिर ऑडिशंस दिया, लुक टेस्ट हुआ, तो फिर बस ऐसे ही। ये सीरियल कैसे मिला आपको, अगर बात करें? सीरियल काफ़ी स्ट्रगल रहा है यहाँ पे, फिर बस ऑडिशन दिया था मैंने, लुक टेस्ट हुए थे, फिर पास हो गए। मुंबई की बात करें, सीरियल के किसी सीरियल क्या है, सीरियल के बारे में? ये यानी मेरा प्रोडक्ट नाउ से ग्लोबल मीडिया प्रेजेंट, ये यानी एक पारिवारिक कहानी है, जो ये मिडिल क्लास का लड़का यानी अपनी मेहनत पे बलबूते पे ये बिजनेसमैन बनता है, जो ये लड़की रहती है गरीब, वो यानी उससे तरपा प्यार करती है, और उसके बाद में यानी जिस फैमिली की लड़की होती है वो उसे अपने जाल अपने प्यार के जाल में फंसाती है और उससे शादी करती है, और फिर उन दोनों में डिवोर्स हो जाता है, तो फिर वो यानी उसकी जो फैमिली होती है उसमें अनबन हो जाती है, तो डिवोर्स हो जाता है उनके बाद में। तो ये मुझे उम्मीद है, यानी मुझे हाँ मेरे सीरियल को यानी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कहाँ टेलीकास्ट होने वाला है ये? यानी सिद्धि टेलीविजन। सर आप जी, मेरा नाम रोहित है, मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ, और मैं यहाँ मुंबई में मतलब 4 साल हो गए हैं। काफ़ी स्ट्रगल किया और ऑडिशंस वगैरह दिए मैंने, और जाके फिर मुझे ये सीरियल मिला। जी इसमें मेरा एज एन लीड कैरेक्टर है, कैरेक्टर भी नाम जो कैरेक्टर का नाम है वो भी रोहित ही है। और एक जो कैरेक्टर है ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि बाद में अपने बलबूते पे काफ़ी कुछ अच्छा करता है, और फिर उसके बाद फॉरेन भी जाता है पढ़ाई के लिए, और बाकी जैसा भी कुछ था अजय सर ने आपको बताया ही। सिद्धि टेलीविजन तक कैसे पहुंचे सर? जो भी कुछ है मैं अजय जी को ही बोलूँगा कि सब इन्हीं का ही है। मैंने ऑडिशन दिया, फिर उसके बाद में लुक टेस्ट हुए वगैरह, और फिर जाके सिलेक्शन हुआ इस तरह से। इससे पहले अगर बात करें कुछ किया है आपने? हाँ मैंने किया है इससे पहले, एज इन टीवी सीरीज़ किए हैं, कैमियोस किए हैं, वेब सीरीज़ की है, और टीवीसी एड्स भी किए हैं मैंने, बस यही सब। सर सिद्धि टेलीविजन पे कब तक आएगी ये? समथिंग अभी मुझे उम्मीद है मैं 15 तारीख को फ्लोर पे जा रहा हूँ, तो समथिंग 15 फरवरी। हाँ अभी तो पायलट है, समथिंग नेक्स्ट मंथ में शायद आ जाएगा 30 तक। इसका अभी तो 52 है, मगर उम्मीद है आगे और भी बढ़ेगा। सीरियल का डायरेक्टर हूँ। सर किस तरह की सीरियल है ये? एक नया कॉन्सेप्ट है, फैमिली ड्रामा है, और ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी। आज जो हो रहा है क्या सुन? ये हीरो हीरोइन का घर का सीन है। क्या सीन है? लड़की कॉलेज से आती है और वो पास नहीं हो पाती है, तो वो गुस्से में बेडरूम में आती है। इसके पहले आपने कुछ किया क्या? इससे पहले मैंने काफ़ी मूवी किया हूँ, जैसे रीजनल है, हिंदी है, और सीरियल में काफ़ी असिस्टेंट रह चुका। स्क्रिप्ट मुझे प्रोड्यूसर साहब ने दिए, उन्होंने ऑलरेडी चैनल से अप्रूवल करा चुके थे, उसके बाद मुझे दिए स्क्रिप्ट। कौन सा चैनल? सिद्धि चैनल। सिद्धि चैनल कब तक आएगा? सिद्धि ये 20-25 दिन के आसपास में आ जाएंगे। यहाँ आना हुआ एक्चुअली पप्पू भाई की वजह से हुआ है। पप्पू भाई ने मेरे साथ प्रोडक्शन एज अ काम किया है, एक सीरियल मैंने बनाया है, प्यार झुकता नहीं,
और लकीली मुझे वो सीरियल में उसका टाइटल भी मिल गया, हालांकि मशहूर फिल्म का, मिथुन दा की मशहूर फिल्म का ये टाइटल है, मगर मुझे इम्पा से वो टाइटल भी मिला है। उसमें रंजीत जी हैं, अली खान हैं, जूनियर महमूद हैं और लड़के लड़कियां हैं। वो डायरेक्ट भी मैंने की है और SM Films International के बैनर तले मैंने उसे प्रोड्यूस भी किया है। पप्पू भाई की मोहब्बत है जो उन्होंने यहाँ बुलाया, और यहाँ मैं पप्पू भाई के साथ तमाम लोगों को, यूनिट वाले जितने भी हजरात हैं, लेडीज़ हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, टेक्नीशियंस हैं, सबको आई विश देम ऑल द बेस्ट, ग्रेट लक्स। और ये सीरियल जो है, मुझे पूरी उम्मीद है ऊपर वाले से कि एक बहुत कामयाब सीरियल होगा, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू इट। दैट्स इट, थैंक यू। या पास पास दूर दूर एक खूबसूरत टाइटल भी है, एक रोमांटिक है, एक ऐसा लगता है कि इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं दर्द है, मोहब्बत है, प्यार है, वफा है, जफा है। तो उस तरीके से इट रियली हैज़ ऑल दी मटेरियल जो आज की ऑडियंस देखना चाहती है, वो तमाम चीज़ें सिर्फ एक टाइटल में ही समो के आ गई हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। सर आप क्या विश करेंगे इस काम? हमारे सोहेल भाई ने जो बताया है और बहुत अच्छा बताया हुआ है, और इसमें टेक्नीशियन जितने भी काम कर रहे हैं, डायरेक्टर, कैमरामैन, उन सब लोगों ने बड़ी दिलचस्पी से काम कर रहे हैं, उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पेश करना चाहते हैं। और जब देखने के बाद पब्लिक को ये मालूम पड़ेगा कि उन्होंने क्या बताया है, क्योंकि कहानी है, कहानी को मैं पूरी तरह से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जैसा टाइटल दिया है उन्होंने, उस टाइटल के हिसाब से बहुत अच्छा जो है ना काम चल रहा है। बस मैं भी प्रोड्यूसर हूँ, एक बड़ी फिल्म बना रहा हूँ, और मैंने कई फिल्मों में असिस्ट के रूप में, डायरेक्शन में, फोटोग्राफी में काम किया है। उस ज़माने में मुगले आज़म में भी मैं असिस्टेंट था कि आसिफ का, और जो गाइड भी करी है मैंने कली मिस्त्री के साथ में। एक गाना सुना होगा सरस्वती चंद का, चंदन का बदन चंचल चितवन, मैंने ही उसमें फ़ोटोग्राफी की थी असिस्ट में, हमारे इनके नरीमन ईरानी के साथ में। और 85 रनिंग कर रहे हैं और एक अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, बड़ी फिल्म, अभी मैं आपको टाइटल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अच्छी फिल्म है, बड़े लोग ही काम कर रहे हैं, करीब 40 करोड़ का बजट है मेरी फिल्म में, ठीक है ना? ओके, आपने बोला तो मैं आया हूँ।